चलिए दोस्तों नए टॉपिक पर आते हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स पर आते हैं, ग्रंथियां। यहां से आपको एक आध सवाल किसी न किसी एग्जाम में जनरली देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छे से डिस्कस इसको पूरा करते हैं हम लोग। आपको बाहर कुछ भी और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से सारे के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रंथियां, ग्रंथियां क्या काम है इनका? विशेष प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन करना। ठीक है, विशेष प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन करना, ये इनका मुख्य कार्य है। ग्रंथियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपकी अंतःस्रावी और एक है बाह्यस्रावी। ठीक है, या बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी का मतलब है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी का मतलब है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड अंतःस्रावी का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना, अंतर क्या है दोनों में, सबसे पहले यह देखने का प्रयास करते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। जो लोग लिख पा रहे हैं अच्छे से वो लिख लें, या जिनको पहले तो आप ये करें प्रयास की पूरा का पूरा पहले समझ लें, इसके बाद हम आप उसको नोट कर लेंगे या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जैसा आपको बेटर लगे। लिखते वक्त हो सकता है बहुत ज्यादा आप ग्रैप्स ना कर पाए, क्योंकि यह समझने वाला टॉपिक है। तो जरा देखते हैं, एंजाइम निकालती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां, क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। एंजाइम का क्या कार्य है? एंजाइम का कार्य है भैया, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इस साइड देखें जरा, जहाँ पे मेरी कलम चल रही। एंजाइम का कार्य है एज अ कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक के तरीके कार्य करना। बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालती है, और एंजाइम का क्या कार्य है? उत्प्रेरक के तरीके कार्य करना। उत्प्रेरक का क्या काम है? उत्प्रेरक होता क्या है कि अगर कोई भी क्रिया चल रही है उसका रेट बढ़ा देना, उसकी गति बढ़ा देना, यह एंजाइम का कार्य है। अगर कोई चीज हो रही है धीरे धीरे चल रही, तो यह उसको जा करके क्या करेगा? फास्ट कर देगा, तेज कर देगा, यह एंजाइम का कार्य है। एंजाइम जो निकलते हैं, कई बार यह पूछ लिया जाता है क्या जहां से निकलते हैं सिर्फ वहीं पे कार्य करते हैं? जी नहीं, यह शरीर के किसी भी हिस्से पे जहां पर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वहां पर जाकर के अपना पूरा कार्य दिखाते हैं। तो ये मतलब ये कहना गलत है कि जहां से निकल रहे हैं वहीं पर जाकर के अपना असर दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। यह पूरी बॉडी को कवर कर ले जाते हैं, तो जहां से निकलते हैं वहां तो कर ही रहे हैं, पर जहां पर और बॉडी के हिस्सों में भी और भी शरीर के हिस्सों में जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो उत्प्रेरक के तरीके काम करते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। एंजाइम किस तरीके से काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक के तरह काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी पर अपना असर दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं जरा इसके उदाहरण जरा देखें, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण जरा देखिए। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण अगर देखेंगे तो लार ग्रंथि, दूध ग्रंथि, अश्व ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, इन दोनों की बात करूंगा। क्यों इन दोनों को दोनों में रखा गया है? ठीक है, यकृत और अग्नाशय। अब आते हैं जरा अंतःस्रावी पे। अंतःस्रावी का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन निकालता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालता है? हार्मोन निकालता है। तो जरा देखिए भैया, हार्मोन का क्या कार्य है?